पहलगाम से यहाँ आके स्टे कर लिए अनंतनाग में। अनंतनाग जो है कश्मीर का एक और डिस्ट्रिक्ट है, पहलगाम से 15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे कल रात में जो ठंड पड़ी भाई साहब, मतलब ज़बरदस्त ठंड। और सामने एक नदी बह रही है, बहुत ही प्यारी नदी है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस अभी हम लोग हैं राफ्टिंग पॉइंट पहलगाम के पास, पीछे आप देख रहे हैं ये है स्टैंड नंबर 3 और हम लोग अभी चल रहे हैं बेताब वैली। यहाँ पे जो है आपकी नॉर्मल कैब नहीं चलेगी, यहाँ पे लोकल गाड़ी ही चलती है। तो स्टैंड नंबर 3 है और यहाँ से नज़ारे देखो आप लोग, ये सब क्या नज़ारे हैं। ये जो है ये रिवर राफ्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे राफ्टिंग होता है बट विंटर में पानी कम होता है तो होता नहीं है। वैसे यहाँ पे थोड़ी सी धूप है क्योंकि ये थोड़ा सनी साइड में आता है पहलगाम जो है। पीछे देखो आप लोग, यहाँ पे आपको इतनी स्नो नहीं मिलेगी। यहाँ रात में बड़ी ठंड लगती है, दिन में इतना नहीं लगता पर रात में बड़ी ठंड लगती है। और भाई का हुडी कैसा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम इनोवा से जा रहे हैं क्योंकि मज़ा बहुत आएगा एंड सूट भी अच्छा हुआ। तो अभी हम लोग चले पहलगाम में घूमने बेताब वैली। हमारे साथ हैं यहाँ गुलाम भाई जो हमें घुमाने वाले हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली को सलाम बोल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, यहाँ से जो नज़ारे हैं ना, मतलब काबिले तारीफ। गाइज़ ये जो पहलगाम है, यहाँ पे हमारा अमरनाथ का यात्रा भी यहीं से स्टार्ट होता है। जो पहली वाली क्लिप आपने देखी, वहाँ से अमरनाथ का बेस कैंप है, फर्स्ट बेस कैंप। वहाँ पे लंगर भी लगता है खाने के लिए। इसको लंगर का मतलब नहीं पता, वो ये है कि फ्री में खाना दिया जाता है यात्रियों को, उसे लंगर कहते हैं। गाइज़ हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा खाना पीना खाएंगे फिर निकलेंगे हम बेताब वैली के लिए क्योंकि भूख बहुत लगी है। ओके गाइस, तो खाना पीना हो गया, गुलाम भाई ने हमें बहुत ही अच्छा खाना खिलाया, मतलब क्या टेस्ट था। हम लोग को गाइस टाइम नहीं होता शूट करते करते, तो हमारा लंच मिस हो जाता है, इसलिए हम लोग ने लंच ब्रेकफास्ट के साथ ही कर लिया। सुबह वैसे मैं यहाँ पे गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ, बहुत ही मस्त टेस्ट होता है। और भाई लंच जो हुआ ना, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट मैंने खाया, मटन और गिरदा। गिरदा जो है यहाँ का लोकल फूड है, बेसिकली नान विथ बटर, मोटा वाला नान होता है, क्या टेस्ट लगता है। और मटन तो एक नंबर भाई साहब, कश्मीर सही में जन्नत है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के नज़ारे कह रहे हैं, आप खुद ही देख लो। अंदर चलो भाई, ठंड लग रही है। तो अब हम लोग पहुंच गए बेताब वैली, चलिए शुरू करते हैं। पीछे एक खूबसूरत नदी है, आप देख सकते हैं। सनी देओल की बेताब मूवी यहाँ शूट हुई थी। ये है बेताब वैली, लुक एट द 360 व्यू गाइस।
कैसा लगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। मज़े की बात गाइस ये है कि यहाँ पे किसी को उड़िया समझ में नहीं आता है, तो हम लोग जब उड़िया में बात करते हैं तो उन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लोगों को बंगाली और मारवाड़ी पता है, तो हम जब उड़िया में बात करते हैं तो उन लोग हंसते हैं, उनको समझ नहीं आता। फिर मैं बोलता आउट ऑफ सिलेबस ना भाई लोगों, अब तो 2 डिग्री ठंड चल रही है यहाँ पे, 4 दिन से हमको धूप नहीं मिला था, आज विटामिन डी मिल रहा है हमें। बेसिकली पहलगाम क्या है कि ये सनी साइड में आता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सूरज की रोशनी मिलती है, फ्री विटामिन डी गाइस। यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, आशा करता हूँ कि हमें सनी देओल देखने को मिल जाए यहाँ पे। सनी देओल तो नहीं मिलेंगे, सनी देओल नहीं मिलेंगे। आज कैप में कैसे भाई? इसलिए कैप में क्योंकि आज हमको रूम में हेयर ड्रायर यूज़ करने को नहीं मिला, तो देख लो हालत कुछ ऐसी है, एकदम चंपू लग रहा है आपका भाई। हम लड़कों को हेयर ड्रायर उतना ज़रूरी है जितना लड़कियों को लिपस्टिक। दिस इज़ बेताब वैली, झूला वूला झूल सकते हैं अगर झूलने का मन है, सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पकड़ के झूल जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे रील्स बनाए हैं, तो अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो और रील्स देखो। तो ये था अपना बेताब वैली, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे आरू वैली के लिए, लास्ट व्यू ऑफ बेताब वैली। Don't wanna go home, oh I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we're here chillin', chillin' in paradise. Sunny days, sunny days, sunny days. No clouds.